अरे आप अपना ही हाथ काट रहे हैं अपने आप। याद रखिए, आज आप मुस्कुरा रहे हैं, कल यहां पर बैठेंगे कोई और कर देगा काम आपके ऊपर। अच्छा रेप सर, रेप क्या? रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता क्या? आपका प्रोविजन नहीं है क्या? स्टॉकिंग नहीं होती है मर्दों की? अच्छा जस्ट होता है सर, आप हंस रहे हैं, होता है, होता है। आपकी हंसी इस बात का इकरार है कि आप जानते हैं किसका हुआ है। तो जस्टिस जे एस वर्मा सर, जस्टिस जे एस वर्मा का जेंडर न्यूट्रल बनाइए। अच्छा क्लॉज 69 को, क्लॉज 69 लव जिहाद आ गया। देखिए सर, क्लॉज 6 लव जिहाद आ गया, उसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव ही नहीं कर पाएंगे आप। अब उसमें क्या बताना पड़ेगा? सप्रेसिंग आइडेंटिटी, यानी अगर कोई महिला मोनू मानेसर चोमू चंडीगढ़ से इश्क करती है, बाद में उसको मालूम होता है कि वो मानेसर का नहीं है, चंडीगढ़ का नहीं है, तो क्या क्लॉज 69 एक्शन में आएगा? आप बताइए कि अच्छा अगर कोई ये कहेगा कि मेरा नाम कुछ नाम है, कई कुछ नाम होता है जो कॉमन नाम होता है मुसलमानों में, दीगर मजाहब में, तो क्या वो सेक्शन अप्लाई होगा? ये क्या आप कर रहे हैं? अच्छा आपने अडल्ट्री को निकाल दिया, आपने होमोसेक्सुअलिटी को निकाल दिया, तो ये कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशन जो 18-20 साल के ऊपर के लोगों में करते हैं, मैं इसका खिलाफ जरूर हूं मजहबी एतबार से, मगर आप क्यों उनके ऑटोनोमी को रोकना चाहते हैं? अच्छा सर सेक्शन क्लॉज 1093 BNS का, आपको इट डज नॉट रिक्वायर नॉलेज और इंटेंशन पार्ट ऑफ पर्सन असिस्टिंग फैसिलिटेटिंग कमीशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। ये मैं 5 मिनट दीजिए सर। सर BNS का आप सेडेशन पर देख लिए, सेडेशन को आपने दोबारा ला लिया, लफ्ज सेडेशन इस्तेमाल नहीं किया आपने 3 साल से 7 साल। आपने सुप्रीम कोर्ट को अंडरटेकिंग दी थी कि प्रोविजन नहीं लाया जाएगा। कार्ल मार्क्स ने कहा था सर, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स। आप क्लॉज 195(1)(d) देखिए, इट क्रिमिनलाइजेस द मेकिंग ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जेपोडाइजिंग सॉवरनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। वेग है, यानी जो कोई भी पत्रकार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म लिखेगा आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे और जेल की सलाखों में उसको डालकर आप सड़ा देंगे। सर मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट जो IPC में था 2 साल थे 304, आप उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिए 1061 में BNS 1 में। और रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग 304 IPC में था 2 साल की सजा थी, आपने 10 साल कर दिया। यह क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस का हिस्सा नहीं है। अच्छा क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश में UP गैंगस्टर एक्ट में एक चार्जशीट में गैंगस्टर एक्ट लगता। सर आप बताइए फिर UAPA का क्या होगा, PMLA का क्या होगा, महाराष्ट्र मकोका क्या क्या होगा, गुजरात के कोका क्या क्या होगा? आप ये सब कानून रख रहे हैं और एक पुलिस वाले को आप ये तमाम कानून की इजाजत देंगे? याद रखिए जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कल आज सत्ता में है, कल नहीं रहेंगे, वो बदले की भावना से काम करते हैं। सर मुझे पुलिस ने पीटा सर, 1999 22 दिसंबर को मेरे सर पर 20 टाके लगे, पीठ से लेकर पैर तक मारा गया। आपको मालूम सर क्या हुआ? तेलुगु देशम की सरकार थी, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था उनको IPS कन्फर कर दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।